क्षमा गणेश, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सपना मनोहर में। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल सा एक वीडियो लेके आई हूँ कि अभी राजपूती ज्वेलरी में लेटेस्ट जो कुंदन की ज्वेलरी है क्या डिज़ाइन चल रही है, और अब थोड़ा सा वेरिएशन करवा के थोड़े से ट्विस्ट दे के कैसे एक तरह की ज्वेलरी को आप ज़्यादा यूजफुल ले सकते हैं। एंड बहुत ही यूनिक ज्वेलरी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसमें आप मेरी रील्स अदर वीडियोस भी देख चुके होंगे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं कलेक्शन वीडियो भी शेयर करती हूँ। इफ़ अगर आपकी वेडिंग होने वाली है या फिर आपको भी ज्वेलरी बनवानी है किसी भी ओकेजन के लिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो। एंड आपको ऐसे और वीडियो देखने हो ज्वेलरी से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताना, मैं आप लोगों के लिए और ऐसे वीडियोज़ लेके आऊँगी जिससे आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। मैं आपको मेरे लिए इतना सा करना है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ऑल्सो कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको ये ज्वेलरी वाले जो वीडियोस है वो कैसे लगे। तो अभी आपको पता है कि जो कुंदन की ज्वेलरी है उसका बहुत अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा है। गोल्ड हमेशा सदाबहार है, वो तो हम बनवाते ही हैं, बट अभी कुंदन का भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। एक रिच लुक देता है, रॉयल लुक देता है कुंदन की जो ज्वेलरी होती है। राजपूती में तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे करती है राजपूत कुंदन की ज्वेलरी। हर किसी बाईसा का ड्रीम होता है कि वो कुंदन की ज्वेलरी पहने, अपनी वेडिंग में बनवाए। बट यू नो, हम जब ज्वेलरी बनवाते हैं, कुंदन इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है, गोल्ड से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है कुंदन, तो हम लोग मतलब बनवा लें एक चीज को, लेकिन हम बार बार नहीं शायद बनवा पाते हैं। तो लेकिन आप अभी के टाइम पे इतनी ज्यादा आपके पास में फैसिलिटीज आ गई हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा गूगल करके, थोड़े वीडियोज देख के बहुत ही यूनिक तरह के ज्वेलरी बनवा सकते हैं कि आप एक ही पीस को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पहन सकते हो। तो वो मैं आप लोगों के लिए आज हेल्प करने वाली हूँ। और जो मैं ज्वेलरी आपको दिखाने वाली हूँ वो जयपुर झोटवाड़े में गोल्ड पैलेस के नाम से है। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अगर आपको वहां से ज्वेलरी देखनी हो। ऑल्सो वहां की जो ज्वेलरी है बहुत ही अच्छी है, आप कोई भी डिजाइन दिखाइए, कुछ भी बताइए, वो आपको बनवा देंगे। गोल्ड की जो उनकी क्वालिटी है A1 है, आपको उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इवन हमारे यहां से जितना भी गोल्ड बनता है, मेरे जितने भी ओकेजन पे देखते हो कहीं कुछ भी, वो सारा का सारा गोल्ड इन्हीं से बनता है, गोल्ड पैलेस से ही बनता है। इनकी सिटी में भी बहुत बड़ी शॉप है और एक झोटवाड़ा में शॉप है, तो बहुत ही सही मेकिंग चार्जेस वगैरह बहुत ज्यादा सही है, रीजनेबल है। तो आप वहां से जरूर ट्राई कर सकते हो। आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के लिए और लेटेस्ट ज्वेलरी की डिजाइन लेके आऊंगी। तो मैं आपको अभी अपने स्टार्टिंग क्लिप देखी कि मैं आपको कौन सी ज्वेलरी दिखाने वाली हूँ, कितनी प्यारी ज्वेलरी है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ डिटेल में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास में चीज है वो बहुत ही प्यारे इयररिंग्स हैं, इन्हें हम चांद बालिया भी कह सकते हैं, बड़े झाले भी बोल सकते हैं। साथ में फोटो आ रही है, आप देख सकते हो। तो बहुत ही मतलब एक अलग ही पैटर्न में और बहुत ही सुंदर डिजाइन है। रेड एंड ग्रीन कलर का है मेरे पास में जो पैटर्न है, आप देख पा रहे हो। रेड एंड ग्रीन कलर ही ऐसे हैं जो हमारे पोशाकों के अंदर वर्क होते हैं ज्यादातर, और ये चीज ही ऐसी है कि जो कि ज्यादातर चलती है। तो ये यू नो चांद बाली के डिजाइन में भी आ गई। नीचे इसमें अच्छे खासे कुंदन की बालियां लगी हुई है, झालर लगी हुई है, तो जो इसको हैवी लुक दे रहा है, जो इसको झालों का भी रूप दे रहा है। तो चांद बालियां, झाले, आप बहुत ही अमेजिंग तरीके से इनको पहन सकते हैं। इफ अगर आप गले में कभी कुछ नहीं पहनना चाहते हैं तो आप इनको पहन लीजिए, आपका कंप्लीट लुक लगता है। प्योर की ड्रेस पे आप इनको पहन लीजिए, राखड़ी शीश को लगा लीजिए, बहुत सुंदर लगता है। छोटा सा गले का पहन के कोई पेंडेंट सेट इनको पहन सकते हैं, देखिए बहुत ही सुंदर लगता है। ये बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, ये आप पास से इसकी डिजाइन देख सकते हो कि कितनी सुंदर है, और हैवी वेट में है इसलिए ऊपर ये इस तरीके से कांचन लगाई गई है ताकि थोड़ा सा आपको यू नो मतलब कंफर्टेबल फील हो। आप अपनी अकॉर्डिंग लगवा सकते हैं, आपको कैसे वाली जो पसंद है कांचन वगैरह। तो ये देखिए ये है, और काफी सुंदर है। ग्रीन कलर के इसके अंदर झालर है और रेड कलर के इसके अंदर स्टोन लगे हुए हैं। तो जो ये इयररिंग्स है ये बहुत सुंदर है, ये देखिए। मैं वेयर करे हुए आपको पूरी फोटो अटैच करके दिखा दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। उसके पास में हमारे पास कुंदन का ये सेट है जो कि बहुत ही रॉयल और अच्छा लुक दे रहा है। ये सेट इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप इसको जब पहन लोगे तो आपको कुछ और आड़ वगैरह या कुछ ऐसा पहनने की जरूरत नहीं है। ये सेट अपने आप में एक सिंगल ही इनफ है। ये आपको हैवी लुक भी देगा और ये आपको वो वाला लुक भी नहीं देगा कि आपने बहुत ज्यादा तामझाम पहन रखा है। इसकी जो डिजाइन है ना वो इतनी ज्यादा मतलब उभर के आ रही है, मतलब एक चोकर टाइप में होकर और साथ में एक पैंडर्ड टाइप आ गया, तो आपको चोकर और जो पैंडर्ड जो आपको पसंद है आप वो दोनों लुक इसमें ले सकते हो। एक एक डिजाइन इनकी क्लियर दिख रही है के साइड, इस पे पूरे मोतियों की पुवाई करी गई है, और ये देखिए अच्छी खासी इसमें लटकन दी गई है। अभी आप कभी फ्यूचर में ना लटकन को हटवा के और एक अलग से पैंडर्ड सेट भी बनवा सकते हो सिर्फ ऐसे गले गले का, और ये आपको ऊपर चोकर रह जाएगा। मतलब आप इस तरीके से वेरिएशन कर सकते हो करना चाहो तो। और देखिए यहाँ पर ये छोटा वाला ड्रॉप लगवा लोगे तो आपके पास दो सेट हो जाएंगे, और आप हैवी लुक में लेना चाहो तो इसको पहन सकते हो। तो ये कंप्लीट ग्रीन कलर के अंदर है, क्योंकि ग्रीन कलर ऐसा है जो बहुत ज्यादा
ज्यादा चलता है राजपूती में। अभी तो वैसे रेड का भी फैशन आ गया है, मेरी भी गोल्ड ज्वेलरी रेड में है, बट ग्रीन कलर ऐसा है कि जबकि हर पोशाक के अंदर आपको ग्रीन कलर का वर्क मिल जाएगा, तो ग्रीन कलर आपका चलता है। और ये प्योर एकदम कुंदन में है, पूरी गोल्ड ज्वेलरी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप इस टाइप के सेट बनवा सकते हो, अगर आपको सेट बनवाने हैं आपकी शादी के लिए कुछ भी, तो ये जो सेट होता है ना बहुत सुंदर लगता है। ये सेट है ना आपको एक एक जो डिजाइन होता है ना वो आपका खिल के दिखता है। काफी सेट ऐसे होते हैं जो हैवी तो बहुत ज्यादा होता है बट वैसे लगता है तामझाम टाइप के, कुछ समझ में ही नहीं आता, बट ये आपकी पूरी प्रॉपर डिजाइन भी दिख रही है और आपका पूरा नेक भी भर जाएगा। तो आप इस टाइप का सेट बनवा सकते हो। आप लोग मुझसे प्राइस वगैरह मत पूछना देखो, क्योंकि गोल्ड का आपको पता है कि हर सुबह हम उठते हैं और भाव बढ़ा हुआ मिलता है, तो भाव जब ऊपर नीचे होते रहते हैं तो गोल्ड की रेट भी उस अकॉर्डिंग होती है। तो उसके लिए प्लीज आप गोल्ड पैलेस जो ज्वेलर है उनसे ही कॉन्टेक्ट कर लेना, उनका स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, तो आपको अगर कुछ बनवाना है तो। उसके बाद में मेरे पास में है, मुझे जो सबसे चलो पहले मैं आपको नेक का हम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद में ये मेरे पास में बोरला है। आजकल बड़े बोरलों का बड़ा फैशन आ गया है, राखड़ी की जगह जो पहले चलते थे, ये देखिए बड़ा बोरला है, प्रॉपर ग्रीन कलर में है, तो इसका बड़ा फैशन आ गया है और ये बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए जो बड़े बोरले होते हैं वो काफ़ी सुंदर और रिच लुक देते हैं। ये देखिए इस तरीके से, सॉरी ये देखिए मुझे थोड़ा सा कैमरे में दिख नहीं रहा, अगर मैं गलत लगा रही हूँ तो ये काफ़ी अच्छा लुक देता है। और आप प्योर की ड्रेस पहनी, व्रत वडूले कर रहे हैं, सिर्फ ये लगा के अपना शीश फूल लगा लीजिए, कानों में पहन लीजिए, आपका कंप्लीट लुक हो जाता है, एक हैवी लुक देता है। तो ये बहुत सुंदर है, इसका बोरला बड़ा प्यारा है, इसके ऊपर एकदम मोतियों की जो है वो पुवाई करी गई है, व्हाइट कलर के जो मोती होते हैं ना उनकी पुवाई है अच्छी खासी, तो बहुत सुंदर बोरला है, तो आप ये डिज़ाइन बनवा सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको शीश फूल की डिज़ाइन दिखाऊं, तो ये इसका शीश फूल है, प्रॉपर कुंदन में है ये भी और काफ़ी अच्छा है। इसमें एक प्योर वाइट कलर का है जो कि कोई कलर आइडेंटिफाई नहीं करेगा आपको, किसी भी पोशाक पे चलता है ये, आप इस तरीके से बनवा सकते हो। और लास्ट में जैसे इसके यहाँ पर रेड कलर का एक एक स्टोन दिया गया है, आप चाहे तो ग्रीन लगवा सकते हो या फिर एक ग्रीन और एक यहाँ पर रेड ऐसे भी करवा सकते हो, तो आपका रेड और ग्रीन दोनों तरह का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ये देखिए ये आपका शीश फूल है, तो ये भी बहुत सुंदर डिज़ाइन है, कुंदन में आप इस तरीके का शीश फूल बनवा सकते हो। जो इसके अंदर जो हटके मुझे चीज़ लगी, मतलब यहाँ पर दो टीकड़े बड़े आ जाएंगे और बीच में छोटा सा आएगा, तो अभी जो एक है ना बीच में फैशन चला था कि राखड़ी के साथ में जो आपका बोरला है उससे अटैच था शीश फूल, तो ये आपका वो वाला काम करेगा। अब वो अटैच्ड है उसमें कई बार क्या होता है, हमें राखड़ी किसी और शीश फूल के साथ लगानी हो या कुछ ऐसे तो फिर प्रॉब्लम होती है, उसको हम हटा नहीं सकते, लेकिन आप अगर वो डिज़ाइन पसंद करते हो तो आप इस तरीके से ही बनवा सकते हो। तो उसमें क्या होगा ना, आप अटैच जब इसको ऐसे लगाओगे तो लगेगा वो वाली शीश राखड़ी शीश फूल का लुक देगा, साथ में आप इसको दूसरे के साथ भी पहन सकते हो। तो आप शीश फूल इस तरह का ट्राई कर सकते हो कि दो बड़े टीकड़े फिर बीच में छोटा ऐसे पतली सी चेन करके, तो ये बहुत सुंदर लगेगा। अभी यहाँ पर मेरे पास भी नथ है, नथ भी प्रॉपर कुंदन की है, रेड कलर के इसके अंदर स्टोन लगे हुए हैं और यहाँ पर एक छोटा सा ग्रीन कलर का फ्लावर बना हुआ है। ये पूरी है ना मोतियों के अंदर बनी हुई डिज़ाइन है, तो ये काफ़ी है ना मतलब ऐसे रॉयल लुक देगी आपको, अच्छा वाला हैवी लुक देगी, गोल बड़ा फूल ये सब बहुत ज़्यादा चल चुका है अभी, सो इसलिए मेरे को ये वाली डिज़ाइन अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आपको ये दिखाती हूँ। प्रॉपर ये मोतियों के अंदर है जो कि आपको यू नो हैवी लुक भी दे रही है और आपका वेट भी कम होगा, नथ के अंदर वेट भी कम है, मोतियों में इतना वेट नहीं होता, साथ में आपको कम बजट में भी बन जाएगी। अगर आप इसी की जगह प्रॉपर कुंदन लगवाते पूरा या फिर कुछ और गोल्ड में डिज़ाइन करवाते तो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती, बट यहाँ पर आपको ये लाइट मतलब वैसे भी लाइट वेट है, कम एक्सपेंसिव भी पड़ेगी और साथ में आपको हैवी लुक भी दे रही है, तो ये नथ है। के बाद में मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ, हथफूल। अच्छा ये जो चीज़ है इसी के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ आपको दिखाने के लिए, ये एक्चुअली भुजबंद भी हो सकते हैं, आप इनको बाजू भी करवा सकते हो। अभी है ना इतने ज़्यादा अच्छा सुनार काम करने लग गए हैं ना ज्वेलर, आपको ज्वेलरी के अंदर इतने अच्छे वेरिएशन देने लग गए हैं, ये प्रॉपर आपके कुंदन के हैं। अच्छा वो जो बड़े वाले आते हैं वो हम गोल्ड की ज्वेलरी में इनमें बनवा लेते हैं, तो कभी आप डिफरेंट तरीके जब कुंदन की ज्वेलरी में बनवाओ तो आप इस तरीके से बाजू बनवा सकते हो, ये आपकी डिफरेंट लुक भी देगी और बहुत ही प्यारे प्यारे लगते हैं, छोटे छोटे से एकदम यू नो कंफर्टेबल टाइप के होते हैं, देखिए आपकी डिजाइन भी दूसरी बन जाती है। ओके अब है ना इसमें आप क्या कर सकते हो ना, इसको आप काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हो, मैं आपको चीज़ बता देती हूँ। आप है ना जब ये बाजू बनवाओगे तो इस तरीके से अगर बनवाते हो, जैसे देखिए अभी मैंने इसकी पुवाई ऐसी है, तो आप इसको आराम से गले में पहन सकते हो। अब ये देखिए आप, ये आपका प्रॉपर एक छोटा सा सेट हो गया, आप किसी भी छोटे मोटे फंक्शन में इसको पहन सकते हो अपने, देखिए
तो आप इसको एज ए सेट पहन सकते हो, मतलब ये आपके टू इन वन, मतलब टू इन वन, थ्री इन वन वाला काम करेगा। और ये देखिए, साथ में आप इसको एज ए बाजू पहन सकते हो। दूसरा पेयर इसका ये रहा, कहीं आपको लगे कि ये गले का ही सेट था, मैं आपको एज ए बाजू दिखा रही हूँ। तो ये दोनों सेट है मेरे पास में, तो आप जब कुंदन के कभी बाजू बनवाएं तो आप इस तरीके से बाजू बनवा सकते हो। ये आपके प्रॉपर बाजू भी लगेंगे, आपका गले का भी काम कर देगा। अच्छा, साथ में आप इसको यहाँ पर पिन लगवा सकते हो एक, तो यहाँ पर ये आपके शीश हुल का भी काम करेगा। बस आपको करना क्या होगा ना, आप यहाँ पर ये हुक वाली वो लगवा लेना, पुवाई जो है ना वो हुक वाली लगवा लेना। जब यहाँ से इसको हटा दो, ये देखिए यहाँ से इसका हटने का ऑप्शन है, इसको यहाँ से हटा दो और यहाँ पर एक पिन लगवा, जो आपके पिन होती है पिन लग जाएगी और यहाँ पर कलंगी लग जाती है। तो यहाँ पर ये अभी देखिए शीश हुल का भी, सॉरी सिरपेज का भी काम करेगी आपके हस्बैंड के लिए, आपके बना हुकुम के लिए। तो यहाँ पर आप ऐसे करके, और ये हैवी वाला अभी तो देखो अच्छा नहीं लगेगा, ये तो जेंट्स भी अच्छा लगेगा ये चीज़। तो यहाँ पर वो कलंगी जब लग जाएगी ना, तो ये सिरपेज का भी काम करेगी आपके। और बाकी आप इसको गले और बाजू के, मतलब ठीक है सिरपेज का बनाओ ना बनाओ, लेकिन आप इसको एज ए गले का सेट और बाजू तो पहन ही सकते हो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। यहाँ पर ये है बंगड़ियाँ, रेगुलर जो बंगड़ियाँ चलती है बस वही बंगड़ियाँ हैं। बस इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसकी जो ये जो मणियाँ होते हैं, मोती होते हैं, ये मोटे साइज़ के हैं। आप देखो रेगुलर साइज़ जो होता है ना उससे मोटे करवाए गए हैं, ताकि थोड़ा सा सुंदर लगता है डिज़ाइन देखने में। थोड़ा सा जो रेगुलर वाला डिज़ाइन है उससे मोटा है, ताकि उभर की चीज़ दिख रही है। तो बंगड़ी आपके एज नॉर्मल है। उसके अलावा इस कलेक्शन में मुझे जो सबसे प्यारी चीज़ लगी थी बाजू के अलावा, मुझे ये पूंछियाँ बड़ी प्यारी लगी थी। ऐसी पूंछी मैंने नहीं देखी है। आप ये देखिए, ये कुंदन की पूंछियाँ हैं, इतनी सुंदर है। ये आपके बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में बन जाएगी, आपके बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगी। और ये देखिए आप कितनी पतली पतली हैं, मतलब कितनी सुंदर हैं। आप इनको एज ए ब्रेसलेट पहन सकते हो, मतलब आपको सिर्फ राखड़ी शीश फूल गले में छोटा सा पहन के आप सिर्फ इनको लगा के जा सकते हो। देखिए बहुत ही सुंदर लगी थी मुझे ये पूछियाँ। आप ऐसी पूछियाँ बनवा सकते हो कुंदन में, बहुत ही सुंदर लगेगी। आप ज़रूर ट्राई करें ऐसी। आप गोल्ड में नहीं, कुंदन में नहीं, तो आप उनको सिल्वर में बनवा सकते हो, गोल्ड पॉलिश करवा के भी, तो भी प्यारी लगेंगी आपके पास। ये देखिए ये पूछी बड़ी सुंदर लगी मुझे इनकी, क्योंकि साइज़ के अकॉर्डिंग मुझे बहुत सुंदर लगी है। देखिए तो ये पूछियाँ बड़ी सुंदर है इस ज्वेलरी की। अभी मेरे पास में हथफुल है, तो ये देखिए हथफुल है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। तो ये प्रॉपर वाइट कलर में है, इसमें कोई कलर आइडेंटिफाई नहीं किया है। तो ये देखिए कितना प्यारा हथफूल लग रहा है, बहुत ही हैवी है, वन फिंगर वाला है। आप चाहो तो टू थ्री फाइव जो आप बनवाना चाहते हो, बट कुंदन में मैं बोलूँ आपको वन फिंगर वाला हथफूल बहुत प्यारा लगता है। तो इसे और क्योंकि ये हैवी है, इसका जो टीकड़ा है ये काफ़ी हैवी है, तो ये वन फिंगर में भी इतना मतलब हैवी लुक दे रहा है। अच्छा, इसके साथ में आप ये जो देख पा रहे हो ना, यहाँ से भी ये बिल्कुल हुक दे रखा है। आप देखिए, तो आप यहाँ से इसको खोल सकते हो, और खोलने के बाद में आपका जब ये मतलब हैवी, देखिए इस तरीके से अलग हो जाएगा। आपका हैवी हथफुल पहनने का मन नहीं है तो आप इनको ऐसे देखिए एज ए ब्रेसलेट आप इनको पहन सकते हो। ये देखिए, तो आप प्योर की ड्रेसों के साथ, जब मैंने आपको बताया आपको नॉर्मली कुछ पहनना है तो आप ये पहन लीजिए, तो ये आपके पास में एक अलग से ऑप्शन हो जाता है। और जब आपका पहनने का मन है हथफुल, तो आप इसको वापस इजिली अपने इसको ही हुक को डालिए और ये आपका हो गया अटैच्ड। तो ये आपका इजिली अटैच्ड हो गया। ऐसे ही यहाँ से आपकी ये इन्होंने हुक यहाँ पर जो रिंग है उसमें भी दिया है। ये देखिए, ये अलग से आपकी रिंग निकल गई, तो अब आप एज ए रिंग पहन के भी कहीं जा सकते हो। आपको अलग अलग से रिंग बनवाने की ज़रूरत नहीं है। और जब आपको मन में हो क्या पहनने का ये, और जब आपके मन में हो हथफुल पहनने का, तो आप इसको वापस अटेस्ट कर सकते हो। ये पैरों के कड़े हैं, ये भी गोल्ड में ही है प्रॉपर, और ये सिल्वर में भी चल रहे हैं। साथ में आप चाहो तो गोल्ड पॉलिश करवा के इनको सिल्वर पे गोल्ड पॉलिश भी करवा सकते हो, तो ऐसे भी बन जाएंगे। पर ये प्रॉपर गोल्ड के हैं, इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। और डिज़ाइन के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ, तो बहुत ही सुंदर लगेंगे, झांझर वाले हैं। तो ये आपकी कंप्लीट ज्वेलरी का कलेक्शन हो जाएगा, इसमें कुंदन का कुछ था नहीं, गोल्ड का था, तो मैं आपको गोल्ड का दिखा रही हूँ। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पर मैंने आपको कुंदन की ज्वेलरी का कलेक्शन दिखाया है, और आप कमेंट करेंगे आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो मैं आपके लिए आने वाले टाइम पे और लेटेस्ट डिज़ाइन लेके आऊँगी, कि आप जो ज्वेलरी बताओगे उसमें और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को प्यार देना। खमा गणिसा।